चलिए दोस्तों लेके आ गया हूं आपके लिए और एक जबरदस्त वीडियो। एंड यू नो दोस्तों, अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो इस चैनल को, तो आपको पता है कि ये जो वीडियो होता है सबसे पॉपुलर वीडियो होता है हमारे मंथ का। हम आपको इस वीडियो में बताते हैं अगले महीने में कौन से फोन्स लॉन्च होने वाले हैं। और याद रखिए, हमारा जो हिट रेट होता है, जो करेक्टनेस होता है हमारा, जो हम फोन्स बताते हैं, दैट इज मोर देन 90%। मतलब 10 फोन मैं अगर आपको बोलता हूं तो 9 कम से कम लॉन्च होते हैं, बिकॉज वी डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिसर्च, उसके बाद में आपको बताते हैं। वैसे दिसंबर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। नवंबर जो था वो ठंडा था, यस, फेस्टिव सीजन खत्म हो गया, अक्टूबर में सब लॉन्चेस हो गए, नवंबर में इतने नहीं हुए, बट दिसंबर इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। दिसंबर में बहुत सारे फोन्स आने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग फोन्स आने वाले। इनफैक्ट इस महीने में हमें बहुत सारे 5G फोन्स दिखेंगे जो बजट रेंज में आने वाले हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, देखते रहिए वीडियो। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों मोटोरोला आ रहा है, मोटो जी 5G एंड मोटोरोला G9 पावर, यस, दो फोन्स आने वाले हैं। अब ये एक ही लॉन्च इवेंट में लॉन्च होंगे या नहीं ये पता नहीं, बट इतने सारे रूमर्स, इतने सारे लीक्स आ गए ऑलरेडी। ये दोनों भी फोन जो है दोस्तों यूरोप में लॉन्च हो चुके हैं। एंड जो मोटो जी 5G है वो 750G पे आता है, जो यूरोप में। अब इधर जब आएगा तो कौन से प्रोसेसर पे होगा ये पता नहीं है, बट मुझे लगता है 750G पे ही होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी अराउंड 20-25,000। और ये जो G9 पावर है दोस्तों, वो उसमें बड़ी बैटरी आएगी, पावरफुल बैटरी आने वाली है, एंड 662 का प्रोसेसर वगैरह। अच्छा लग रहा है दोस्तों दोनों भी फोन। अब किस प्राइस पे आते हैं वो देखना है, फर्स्ट वीक ऑफ December, they're launching. दोस्तों Vivo का Vivo V20 Pro आने वाला है, 44 megapixel का dual selfie camera, 765G processor, full HD 90Hz वाली screen. Yes, it is going to launch in December, that's for sure. अब ये mid में आएगा, second half of December में आएगा, first half ये पता नहीं है, but Vivo V20 जो launch हो चुका है उसका ये next version बड़ा भाई होने वाला है। So, and obviously Vivo के जो फोन्स होते हैं, especially Vivo V20, sleek और दिखने को बहुत अच्छे होते हैं, and Vivo V20 Pro is not going to be any different. चलिए दोस्तों बात करते हैं Samsung के बारे में। Yes, Samsung के एक नहीं, दो नहीं, शायद तीन फोन आ जाए, वो उसमें से एक सीरीज भी हो सकती है, इट इज वेरी मच पॉसिबल। सबसे पहले बता दूं उनका जो पिछले हफ्ते ही लीक्स आए हुए हैं, ए सीरीज का A12 लॉन्च होने वाला है। दिस इज बजट, मतलब 10,000 के करीब इसकी प्राइस होगी। कहा जा रहा है कि इट इज गोइंग टू बी ऑन हीलियो P35 प्रोसेसर, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बैटरी होने वाली है। सो ए सीरीज का बजट एंट्री लेवल का फोन आएगा, एंड इट माइट बी A12, सैमसंग गैलेक्सी A12। उतना ही नहीं, एम सीरीज का भी एक फोन आने वाला है, अभी इस टाइम मुझे पता नहीं है कौन सा है, बट ये भी दोस्तों मिड रेंज का ही होने वाला है, एंड इट इज गोइंग टू कम विद सम गुड स्पेसिफिकेशन। जी हाँ, अच्छा डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, ये सब होने वाला है। सो ए सीरीज एंड एम सीरीज के एक एक फोन डेफिनेटली दिसंबर में लॉन्च होने वाले हैं सैमसंग की तरफ से। सैमसंग का ही सबसे बड़ा जो लॉन्च इवेंट होता है, जनरली वो जैन में होता है, एस सीरीज का, S21 सीरीज जो है, ये शायद लास्ट वीक ऑफ दिसंबर या फिर फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जैन में हो जाए, दिस आई एम नॉट श्योर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तीन फोन्स इसमें होने वाले हैं, S21, S21 प्लस एंड S21 अल्ट्रा, ये तीन होने वाले हैं। और इस टाइम दोस्तों कहा जा रहा है कि एस सीरीज में एस पेन होने वाला है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और अल्ट्रा के जो कुछ स्पेसिफिकेशंस आए हुए हैं, दे आर क्रेजी गुड, बट जैसे मैंने बताया शायद दिसंबर एंड या फिर जैन के फर्स्ट या सेकेंड वीक में। दोस्तों एक लॉन्च इवेंट जिसके लिए मैं सीरियसली रुका हुआ हूं, एंड दैट इज रियलमी का X7 सीरीज। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो कर दिया है, जो चाइनीज वेरियंट है। जी हाँ, नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा, रियलमी X7 एंड X7 प्रो एंड रियलमी V5। अब एक्स सीरीज के साथ में शायद वी सीरीज, लेकिन दूसरे नाम से आ जाए। तो ये दोस्तों जो है ये Dimensity प्रोसेसर के हैं, जो चाइना के वेरिएंट्स हैं। अब जब इंडिया में आएंगे तो वो वही Dimensity पे ही होने वाले हैं। जी हाँ, 800,000 प्लस 720U इस पे होंगे, या फिर वो चेंज करेंगे प्रोसेसर, आई एम नॉट श्योर एट दिस टाइम, बट Dimensity के आने चाहिए। ये सभी 5G होने वाले हैं। सोचिए दोस्तों, 15,000 के नीचे 5G, 20,000 के नीचे 5G वाला फोन, दैट विल बी क्रेजी गुड इफ इट कम्स। I am seriously hoping Realme X7 series कुछ अच्छे prices पे आ जाए। चलिए दोस्तों बात करते हैं Xiaomi की। बहुत confusion है पिछले एक महीने से दोस्तों, पूछिए मत। अब एक तो confirmed है कि November 26th को, यानी कल या परसों, launch होने वाला है उनका Redmi Note 9 5G।
Yes, this is a 5G phone. Note 9 series में ही है. लेकिन दोस्तों कहा जा रहा है कि ये globally Note 10 के नाम से आने वाला है. उतना ही नहीं, इसमें दोस्तों ये दो फोन्स होंगे, Note 9 5G Standard एंड हाई एडिशन. उसमें से शायद हायर एडिशन जो है वो 750G पे होगा, दूसरा जो एडिशन है वो 800 Dimensity 800 पे होने वाला है. दोनों भी 5G होंगे ऐसे कहा जा रहा है. अब इंडिया में नवंबर 26 को, चाइना में लॉन्च होने के बाद दिसंबर में ये इंडिया में आएंगे. और अगर आप मुझसे पूछते हो, अगेन दिस इज अ गेस वर्क, ये नोट 10 सीरीज के नाम से आ जाएंगे. मैंने जब आपको बताया दोस्तों इस वीडियो के स्टार्ट में कि 90% हिट रेट होता है, जनरली 100% हो जाएगा, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से ये नोट 9 या फिर नोट 10 सीरीज जो है ऐसे लग रहा है लॉन्च होगी और फिर नहीं हो रही है. बट दिसंबर आई थिंक बिफोर वी क्लोज 2020 Note 10 सीरीज आ जाएगी इंडिया में, मजा आएगा. और दोस्तों Xiaomi का सब ब्रांड Poco, yes, Poco M3 जो लॉन्च हो गया है यूरोप में, ये भी इंडिया में आने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. और एक बात बताऊं दोस्तों, दिस Poco M3 जो है अलग है दिखने को, स्पेशली अगर आप पीछे का कैमरा हाउसिंग देखोगे, इट लुक्स डिफरेंट. जी हाँ, वो OnePlus का जो साइबर पंक एडिशन है, स्क्वायरिश बड़ा सा केस है पीछे की तरफ, केस यानी उसका जो हाउसिंग है कैमरा का वो है. 662 प्रोसेसर पे आता है, 6000 mAh की बैटरी है, बाकी सब ठीक ठाक है, बोल्ड कलर्स है. दिसंबर में इंडिया में आ रहा है, यस, Poco M3. चलिए बात करते हैं और एक 5G फोन के बारे में जो हो सकता है कि दिसंबर एंड तक लॉन्च हो जाए या फिर जैन के फर्स्ट या सेकंड वीक में. Oppo Reno 5 सीरीज दोस्तों, यस, 65 वॉट फास्ट चार्जिंग, 765G यानी 5G वाला प्रोसेसर ये आने वाला है. दिखने को बहुत स्लीक होगा और आपको पता है Reno सीरीज जो होती है कैमरा सेंट्रिक होती है, दिखने को बहुत अच्छी होती है. एंड Oppo Reno 5 सीरीज इज गोइंग टू बी नो डिफरेंट. तो दोस्तों ये जो फोन है, ये सीरीज जो है Reno 5 की, दिसंबर लास्ट वीक या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जैन, यस. चलिए बात करते हैं इन्फिनिक्स के बारे में. इनके दो फोन्स आने वाले, एक या दो, मुझे लगता है दो आ जाएंगे, 08 एंड नोट 8. अब नोट 8 के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन फर्स्ट वीक आई थिंक 2nd of December को ही 08 लॉन्च हो जाएगा, जिसके अंदर 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट स्क्रीन होने वाली है, 33W फास्ट चार्जिंग होने वाला है. ओवरऑल लग रहा है अच्छा दोस्तों, आने दीजिए. कभी कभी इनके प्रोसेसर्स में कुछ इतने खास नहीं होते, बट लेट देम कम, उसके बाद में जरूर बताएंगे आपको. और दोस्तों दूसरी इंडियन कंपनी लावा, दूसरी इंडियन स्मार्टफोन कंपनी माइक्रोमैक्स के बाद में शायद लेके आ जाएगी इंडिया में एक स्मार्टफोन विच लुक्स गुड. जी हाँ, माइक्रोमैक्स के जैसे ही ये लिस्ट हो गया है. पता है नाम क्या है? लावा बैंगलोर, यस, ये नाम से आया हुआ है, वो लिस्ट हो गया है Geekbench के ऊपर. 4GB रैम है, एंड्रॉइड 10 है और हीलियो का प्रोसेसर होगा, शायद G35 G85, बेसिकली बजट या फिर मिड रेंज का ये फोन होने वाला है, शायद आ सकता है दिसंबर में, आई एम नॉट श्योर. जैसे मैं हमेशा कहता हूं, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. दोस्तों और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, दिसंबर 1st को 875 Qualcomm का इवेंट होने वाला है, जहां पे वो नए प्रोसेसर्स बताने वाले हैं. उसी इवेंट में हमें पता चल जाएगा कि ये जो फ्लैगशिप लेवल के SD875 वाले जो स्मार्टफोन्स हैं वो कब आएंगे. सो 1st December को वी माइट कम टू नो अ फ्यू मोर स्मार्टफोन्स. याद रखिए, अगले साल में फर्स्ट क्वार्टर में कम से कम 5-6 फोन्स लॉन्च होने वाले हैं Qualcomm Snapdragon 875 इस प्रोसेसर्स के साथ, एंड 100W फास्ट चार्जिंग भी कहा जा रहा है. आई एम नॉट श्योर, मेरा काम है आपको बताना, मैंने बता दिया. सो नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू स्टार्ट विद अ बैंग, दैट्स फॉर श्योर. तो दोस्तों कैसे लगा आपको हमारा अपकमिंग स्मार्टफोन्स फॉर नेक्स्ट मंथ का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए. दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.